वाहे गुरु साहिब जियो, बिलावल महला पंजवा, जी जंत सुप्रसन्न पहे, देख प्रभ प्रताप, कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहरियाप, जी जंत सुप्रसन्न भय देख प्रभ प्रताप, कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहरियाप, खात खर्चत निभत रहै गुर शब्द अखूट, पूर्ण पही समगरी कबहू नहीं टूट रहा, साध संग आराधना हर निद आपार, धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार, भक्त आराधें एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं शुमार, शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई, शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार मेहरामत, शाम समय सत्संगत दे पल असी माण रहे हैं। समा गुरबाणी व्याख्या दा है, बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचारण किए गए चौपदियां दे संदेश असी विचारदे हाँ। जो शब्द आपने पाठ रूप विच सरवण किया है, इसकी विचार बीते दो रोज़ तो असी कर रहे हैं, खास करके रहाओ दे बंद नूं बाविस्थार विचारिया, ते बीते कल असी कुछ शुरुआती दो सत्रां इस पावन बचन दियां इंटरप्रिटेशन दे रूप दे विच असी अंडरस्टैंड कर रहे सी। अज शुरुआत डेफिनेटली रहाओ दे पदे तों होएगी, जिहड़ा रेस्ट ऑफ शब्द आ विल ट्राई टू गैट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ महाराज टीचिंग्स। जो बचन आ, खात खर्चत निभत रहै गुरु शब्द अखूट, खात खाना, खर्चत किसी चीज़ नूं स्पेंड करना, खर्चना मीन, निभत मीन विच वी कैन एक्चुअली कैरी फॉर ए लॉन्ग रन। फिर क्या रहै गुरु शब्द अखूट, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी खजाना, एक ऐसा ट्रेजर जिहड़ा कदी भी खत्म ना होए, कदी भी जिहदे च किसी किस्म दे नाल टूट ना आवे। हुण संसारी तौर ते ते समझिया सानू पैसे दी दौलत दी बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, इहदे बाबत बड़ी डिटेल्ड वे नाल बात हुई सीगी कि समां जिवें बदलिया है, लोगों नूं समझ आ रही है कि दौलत असल दे विच बाहर नहीं होंदी, पदार्थ च नहीं होंदी,
लियाकत हुंदी है, कैलीबर विच हुंदी है। बंदे कोलों कैलीबर खोलवो भावें राजा भी होए भिखारियां तो बदतर है। बंदे कोल कैलीबर होए सारा कुछ खोल वो दोबारा बना लेगा क्योंकि उहदे कोल एबिलिटी हैगी इस रूप दे च। सो बंदे कोल जो खजाना है उहदी समझ है, सोझी है। तो समझ सोझी सिर्फ ये नहीं कि साडा इंटलैक्ट बड़े क्लैवर वे नाल काम करदा एंड वी आर एबल टू मेक मोर मटीरियल, वी आर मेक एबल टू मेक मोर एक्चुअली सोर्ट ऑफ प्रोस्पर पिक्चर इन आवर सराउंडिंग्स। उहदे च है कि जिंदगी जीण दा ढंग तरीका सलीका ये सब भी नाल नाल चलदा है। अज की तारीख दे विच ते बंदे दी वैल बीइंग दी बहुत गल हो रही है, सैल्फ केयर की बड़ी गल हो रही है, फिजिकल लैवल ते, मैंटल लैवल ते, स्पिरिचुअल लैवल ते। मतलब बंदे नूं कहा जा रहा है कि चलो फिजिकली तू फिट अपने आप नूं रखने वास्ते एफर्ट पा रहे, ठीक है। मैंटली चलो तू कुछ लेजर टाइम अपने आप दे नाल स्पेंड करदा आ, फ्रेंड्स दे नाल जाना आना आ, गलबात करदा, दैट्स ऑलसो गुड। बट हाउ अबाउट स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि आखिरकार वो एक वड्डा वैक्यूम क्रिएट हो गया, तेनों चीज़ा उस लैवल ते बॉदर करन लग गई, तेरा माइंड आइदर बिल्कुल ड्राई लैवल नूं तुर पिया कि बस कुछ नहीं संसार दे च, जस्ट मैं ते मी एंड माई सैल्फ ही हैगे हैं, होर कुछ नहीं हैगा, या बिल्कुल स्वार्थबद्ध जीवन बतीत करना शुरू कर देगा। कुछ लैवल ते बंदे च कंपैशन होए, बंदे दे अंदर कोई उमदा दर्जे का कोई आला विश्वास, हायर कॉन्फिडेंस होए उस अकाल पुरख वाहेगुरु उस अथॉरिटी उस पावर उस रूप दे विच, बिलीव सिस्टम होए, क्योंकि सारिया चीज़ा जिहड़ियां नाल नाल काम कर दियाँ। सो ये सारा कुछ जो है एक पैकेज के रूप दे विच गुरशब्द है जो सानू संसारी तौर पर भी जीना सिखाता है। आप हमने फिजिकल हैल्थ की मैंटल हैल्थ की गल की, बाबा जी के शब्द असं पढ़ते हैं, बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादा तन पीड़ी है मन मैं चलें विकार। खाण पाण रहन सहन बड़ा डिसिपलिन होए, बाणी कह रही है। मन की दुनिया नू हैल्दी रखने वास्ते बाबा जी ने वार बार बाणी च एहसास करवाया कि भाई मन ते कम कर। कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दहन दिस जाए, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल खाए। जे मन की दुनिया दे विच कुछ अटपटा चल रहा है, सम सोर्ट ऑफ मिजरी इज हैपनिंग, दैन ट्राई टू पे अटेंशन वट सोर्ट ऑफ कंपनी आर यू गैटिंग इन दीज डेज, जो तेन मिजरी तंग कर रही है, क्योंकि संगत ही रंगत लैके आ रही है, उस रूप में बात आ रही है। फिर रूहानी तौर पर बाबा जी वार बार कह रहे हैं कि भाई कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह। तेरे तो तवक्को की जाती है कि तू हर चढ़ते साह दे नाल, हर गुजरते दिन दे नाल, हर समय वधदी उम्र दे नाल तेरी बंदगी का खजाना वधना चाहिए। जो मैच नहीं करता नाल, कई बार होंगे लोग जिवें असी डायसपोरा च रहने हैं तो इत्थे आके मोस्टली इमीग्रांट कम्यूनिटी है जिहड़े लोग इत्थे माइग्रेट करके आउंदे ने कितों भी, तो फिर अपने सालां दे नाल अपनी पहला जिहड़ी वैल्थ आ, अपनी जिहड़ी उहनां दी फाइनैंशियल स्टेबिलिटी है, उस सारे नूं मैजर करदे ने। फिर पहला लोग अपने आप नूं थोड़ा स्टैबलिश करन वास्ते अपने च इनवैसट करदे, थोड़े स्टैबलिश हुंदे फिर आले दुआले अपना घर बनाउण दे विच होर जगह ते इनवैसट करदे, एक सर्टन लैवल पर पहुँचते फिर दोबारा अपने आप रीइनवैसट करते, अपनी एजुकेशन इंप्रूव करने वास्ते, होर चीज़ों को इंप्रूव करने वास्ते, तो फिर मैजर करते इन्ने साल हो गए इतने पहुँच गए, दैट मीन दैट्स गुड। तो ईवन जेकर तुसी स्ट्रक्चरल वे नाल देखो तो अमेरिका दे इसते बकायदा तौर पर चार्ट बने ने पूरे दे पूरे कि जे इन्ने साल हो गए ने तो इतने बंदा नहीं पहुँचा, दैट मीन उहदी जर्नी प्रॉपर नहीं चली फाइनैंशियल साइड तो, मतलब वैल्थ वाली साइड तो। पर ये नाल दी नाल ही जे असी रिलेशनशिप की गल करिए भी बंदा अपने आप नूं मैजर करे कित्थे खड़ा आ। फिर बंदा स्पिरिचुअल साइड तो जिहड़ा हैप्पीनैस का ग्राफ है, कहिंदे भी डाउन नहीं जाना चाहिए, तो जिहड़ी असल हैप्पीनैस है वह बंदे की इनर की फुलफिलमेंट आ। बंदे ने अखां बंद कीतियां एकदम अंदर ध्यान मारिया तो किसी चीज़ के उत्ते मलाल नहीं गा, गिल्ट कह लो, किसी किस्म का बंदे दे अंदर कोई रिग्रैट नहीं हैगा। तो ये कितों होरों नहीं आता,
सब तो वड्डा रिग्रैट टाइम वेस्टेज नाल आउंदा है, जिंदगी दा समा गजा जिहड़ा अजाई गवाण नाल आउंदा है। सो इस सारे दे बाबत महाराज की बाणी प्रेर दी एक खजाना देंदी सानू अकल दे समझ दे रूप दे विच। तसी सिर्फ इसनू एक तरह दे नाल एग्जीक्यूट ही करना है, असी इसनू सिर्फ अपलाई करना है। जिहड़ा बचन बीते कल असी विचार रहे सी ना जदों असी समापन किया कि करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप, कर आहर आप। मैं बीते जी कुछ अपनी स्टडीज़ दे पढ़ रहा सीगा यूनिवर्सिटी स्टडी रिलेटेड, तो उहदे च कुछ इनफॉर्मेशन वास्ते एग्जाम्पल्स दे रहे सीगे, शायद मैं जे भुलेखा नहीं खांदा ते ई जी जो नाँ दा कार्टून शो चलदा सी 80s दे विच, बड़ा मशहूर कार्टून शो सीगा वार्स रिलेटेड, उहदे च करैक्टर्स हुंदे सीगे। तो वह कहते कि करते होंगे सी कि उन्होंने बच्चों बड़ा मकबूल सीगा शो 80s दे विच, तो उस तो बाद उन्होंने एक सोशल मैसेज देना कि बी अवेयर अबाउट स्ट्रेंजरस, बच्चों नू किसी को कोई चीज़ लैके नहीं खाओ इस तरीके दे नाल, ताकि बच्चे अपनी सेफ्टी नू आप उस तरीके नाल उहदे इंचार्ज हो जाण, उसनू आप तेरे संभाल लैन। वो फिर एक दो चार वारी मैसेजेस दोहरा के ते फिर वो कहिंदे भी इफ यू गॉट दिस मैसेज दैट मीन हाफ ऑफ द बैटल हैज़ बीन वॉन, मतलब अद्धी जंग आपां जित ली। लेटर ऑन स्टडीज़ ये पता लगा इस स्लोगन रोंग आ, इफ एक फेक कॉन्फिडेंस दिंदा। इनफॉर्मेशन सिर्फ शेयर करन दे नाल या इनफॉर्मेशन गैदर करन दे नाल अद्धा बैटल या अद्धी जंग नहीं जीती जाती। ये बंदे नूं भुलेखा ही है, उन्नी देर तक तो बिल्कुल ही नहीं मन्या जा सकता जिन्नी देर तक बंदा उहदी इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं करता, अपलाई नहीं करता। इनफॉर्मेशन होना सफिशियंट नहीं हैगा। तो ये बाबत तो फिर बाद विच बहुत सारिया स्टडीज़ इहोजियां साडे कोल आ गईयां ने एडिक्शन विच, खास करके जिहदे विच पता लग रहा कि बंदे नूं सारा पता आ भी जिवें कहा गया कि ओके तुसी ना नशे वाली चीज़ दे पैकेट के उत्ते लिख दौ, वो पैकिंग के उत्ते लिख दौ भाई इट्स इंजूरियस फॉर हैल्थ ऑल दैट, दैट्स सफिशियंट। लोग इनू पढ़ के क्या ऐसा कुछ नहीं होंगे, यदि जिनी देर तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होंगी, तो इंप्लीमेंटेशन यह है ये भी कुदरत तरस करती साढ़े ते, ते असी उसनू किसी हद तक अपनाने लिए तैयार होंगे। ये आहर है, एफर्ट आ, तो ये आहर भी वो आप विच खड़ा हो के आप करवाउंदा। तो उहदे तरीके ने बहुत सारे, तरतीब है उहदी अपनी, कई बार असी उस लैवल ते समझदे नहीं हैगे। इत्थे ही बात आ रही ना खजाना शब्द समझा दिंदा सानू। एक एग्जाम्पल होर लै दिंदा क्योंकि अज्ज दे दुनिया च एग्जाम्पल सानू कई बार ज़्यादा अपील कर जाती है। मैं एक दिन बच्चों नाल बैठ के एक मूवी वाच कर रहा सीगा, बच्चों की ही मूवी सी, मेरी अजकल ज़्यादातर इंटरटेनमेंट यही होंदी है। तो वह बच्चों नाल मूवी वॉच कर रहा, तो हुंदा की है कि दो ब्रदर्स ने, मॉम उन्होंने टेक केयर कर दी है, फादर की डैथ हो गई है, तो वो एक स्टिक लै आता, तो शायद उहदे नाल कोई मैजिक करन दी ट्राई करता है। तो मैजिक के तहत यह होंदा कि वह अपने मतलब एनचेस्टर्स ने जो गए हुए उन्होंने वापस बुला सकता। तो बेटा शायद अपने फादर नूं बड़ा मिस करता है, तो फिर उन्होंने वो जरिए बुला लेंदा। पर जो अजे जादू पूरा होया नहीं हुंदा, पूरा मैजिक वर्क नहीं किया हुंदा, हाफ ऑफ द वे वो शायद डर जाता, उन्होंने कोई रोक दिंदा, जिन्ना कि मैनूं याद पैंदा उहदा फादर अद्धा आ जाता अद्धा रह जाता, मीन मतलब धड़दा थले वाला पार्ट इज देयर एंड अपर पार्ट इज नॉट देयर। खैर हुण उह की करदा कि उन्हें एक अपने बारे अपने फादर बारे सुपना लिया हुंदा, क्योंकि उहदी फादर ने उन्हें टाइम नहीं स्पेंड किया हुंदा कदे। शायद उहदा ब्रदर उन्हें पुछता है भी सपोज जे फादर आ जाए वापस, व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू, कहिंदा भी मैं एक तो कोल ड्राइविंग लाइसेंस लव ड्राइविंग लैसन लवांगा, एक मैं कुछ होर एडवेंचर करना चाहना। उन्हें कुछ लिस्ट बनाई पांच सात चीज़ों की, खैर मूवी अगे चलनी शुरू हो जाती है, वो ट्रबल च आ जाते हैं भी वो इस तो पहला किसी नूं मतलब उन्हें पूरा असी वापस लिया कर लीए, तो वास्ते वो सारी मूवी चलती। उहदे विच ही जदों ट्रबल विचों गुजर रहे ने उन्हें एक वारी फोर्सफुली गड्डी ड्राइव करनी पैंदी है, एक दो होर चीज़ें इस किस्म एक्ट करता है,
अखीर करद करवाद जो तो लास्ट जाके अपने जोड़ा है मूवी अपने एंड से जा रही है तो वो जो करना चाहते से ऑलमोस्ट हो गया तो फादर की वापसी होगी जोड़ा व्डा भरा आया फिर वो जाके गलां बात करता फादर न तो एक जगह पर बैठ के तो कहें भी मैं एक्चुअली अपनी लिस्ट चैक करता भी मैं की करना चाहता सगा जो दोबारा अपने रीथिंक करता है भी वाह भावें तो थोड़ा जहा हिस्सा सगा फादर का मेरे नाल बट जो कुछ मैं करना चाहता से सारा कुछ ही हो गया मैं ड्राइविंग लाइस एक लैसन लेना चाहता सी ड्राइविंग कर ली मैं उस नाल टाइम इस तरीके स्पेंड करना वह भी कर लिया आ भी कर सारा कुछ फिर महसूस होंगे हाँ वाकई जी मदर नेचर ने सब कुछ करवाता मेरे तो जो मैं करना चाह रहा सीगा एक्चुअली जिहड़ा आहार है यह जरूरी नहीं है कि तुसी बिल्कुल उस लैवल पर परफेक्ट होकर करोगे कुदरत यहोजे सरकमसांस बनाती है जिन्हें सानू आहार करन दा मौका बनता है मिलता है उस मौके दे विच्चों ही जो बंदा एहसास करे फिर लगता हाँ ये तो कुदरत करवा रही है इतने फिर बंदे दी शिकायतां मुक जांदियां शिकवे मुक जांदे ने साढ़े बड़े प्यारे मित्र है यूके दे विच ते ओ एक वारी की होया कि कुछ चीज़ां बिलीव नाल चलदियां ने साढ़े दमदमा साहब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे कुछ समा ठहरे साबो की तलवंडी तो उत्थे महाराज ने कहिंदे गुरु के बचन होए गुरु की काशी है मतलब जिहड़े लोग बैल बुद्धि मालवे के खेत्र च क्योंकि बहुत सोर्सिस नहीं सी हुंदे बड़ा जमीन इन्नी फर्टाइल नहीं सी रिसोर्स इन्ने है नहीं सीगे तो क्या गया कि इन लोगों को बहुत ही समझ नहीं होंगी क्या नहीं नहीं ये लोग विद्वान होंगे लोग समझ वाले होंगे इतने विद्या तालीम होएगी खूब सारी यहोजी बातें गुरु साहब ने कीतियां तो गुरु साहब ने कहा गुरु की काशी होएगी इस रूप में क्या वो अपनी जाचे वक्त बतीत होया सिख विश्वासों के विश्वास करने वाले जो आप उसने बाबा दीप सिंह जी की बात कर रहे थे उन्हें तो उत्थे गुरमत का विद्यालय चलाया बीड़ा लिखनिया शुरू करतियाँ पोथी साहब लिखी जा रही है पोथी साहब की लिखाई हो रही है विद्यार्थी आ रहे हैं सब चीज़ा हो रही उस रूप में फिर अल्टीमेटली उत्थे गुरद्वारा साहब जिथे 35 अखरी लिखते होंगे सी आके हुण तो खैर सारा संगे मरमर का बन गया थोड़ी जगह उन्होंने छड़ी है ट्रडिशनल वे नाल हिस्टोरियन दस दे कि इत्थे थले मिट्टी का गच हुंदा सी मतलब बड़ी कह लो क्ले वाली मिट्टी होंदी सी क्ले वाली मिट्टी पूरी जम्मी सी उहदे उत्ते रेत या सुआह सट्टी जांदी सी रीठे पए होंदे सीगे रीठियां दे नाल लोक इत्थे जमीन ते बैठे हुए लिखदे सी एक नैचुरल वे दे नाल उस रिसोर्स नूं यूज करके अखर ज्ञान लैना यह सब चीज़ां करनियां खैर एक विश्वास भी जो इत्थे 35 अखरी लिख दिंदा उहनूं विद्या आ जांदी है या करतार उहदे कोलों पढ़ाई का कारज लैंदा तो कहिंदे कि मैं उत्थे गया तो हालांकि वो अपनी स्टडी वगैरह डन करके अपनी जॉब विच लगे ने तो कहिंदे वो देखिया मैं लेट आया पहला आए होंदे इन्नी औखी पढ़ाई की है बाबा ही शायद हैल्प कर देंदा आपां 35 अखरी लिख जाते तो गुरु साहब हैल्प कर देंदे आसान हो जाता पर चलो देर आए दुरुस्त आए कोई गल नहीं हुण लिख दिंदे आ लिख के आ गए जो तो आ गए तो कोई होर गुरमुख सज्जन सी उन्हां नाल गलबात हुई कहिंदे उत्थे गए साबो की तलवंडी इंग्लैंड तो विजिट करन गए होणे उत्थे कहिंदे हाँ कहिंदे उत्थे 35 अखरी लिख के आ कहिंदे वी सज्जना हुण ते पढ़ना पैणा तैनूं क्योंकि जिहड़ा उत्थे लिख के आउंदा उहनूं ते फिर पढ़ाई करनी पैंदी ते पक्के तौर ते आ वो कहिंदे अच्छा एक्चुअली ये चीज़ इस रूप में सोची वक्त थोड़ा अपनी जाचे बतीत होया जॉब चेंज हो गई जॉब चेंज हो गई तो पढ़ाई शुरू हो गई मैनू कहिंदे भी बापू ने अपना काम शुरू करता ऑलरेडी मैं की होया कहन लगे जी हुण ते बस पढ़ना पै रहा खैर नो डाउट थोड़ा कठिन भी होया पहला बड़ी कंफर्ट जोन सीगे थोड़े कोई 3 साल बतीत होए तो फिर गलबात हुई तो समहाओ उन्हां दे मूँह तो निकलिया कहन लगे कि एक्चुअली ना बड़ा वधिया हो गया मैनू उदों उन्होंने एक चैलेंजिंग टास्क देता जिदे च मैनू दुबारा स्टडी करन वास्ते जाना पै गया हुण की होया हुण उह जिहड़ा डिपार्टमेंट सी साडा उह सारे ही एलीमीनेट करता उन्होंने उत्थे जॉब ही नहीं रही हुण कोई जे मैं उत्थे हुण हुंदा ते मैनू उत्थे बिल्कुल ही उन्होंने जिहड़ा है कि मैनू सैक कर देना सीगा मतलब कुछ अपने आप आहार करवा रही है कुदरत इस करके क्या गया तू हर चैलेंज नू हर चीज़ नू विपता ना समझिया कर ये भी खजाना है
बंदा हर समय हर वक्त उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे, एहसास करे भी हाँ एक शायद कुदरत को वड्डा रंग मेरे तो करवाना चाहती, मैं उस पासे लैके जा रही उस तरीके दे नाल। इस रूप में अगे वधना, इस रूप में अगे जाना। बाबा जी बयान करते यह भी करतार की कुदरत का एक रंग है जिदे नाल तुहाडा इस धरती के उत्ते करजा उतार दी है, तुहाडा धरती ते आना सफला कर दी है। अगला बचन है साध संग आराधना हर निध आपार, साध संग आराधना हर निध आपार, हरी दी अपार निध दी प्राप्ति हो जानी। इस तरह आ कि शुभ गुणा का इस्तेमाल करना होंदा। सवेरे उठे, उठद्या नाल बड़े एंक्शियस फील किया। एंक्शियस किवें, चंगा नहीं लग रहा, बिस्तर छड़ना पै रहा, काम ते जाना पेगा, सब तो पहला तो यह है भी ब्रेकफास्ट बनाना पेगा, फिर साडे कुछ किड्स की तरह खाना भी पेगा, ओ माई गॉश दैट्स ए बिग टास्क, फिर एटलीस्ट स्कूल जाना पेगा, पढ़ना पेगा या कुछ काम कार करना पेगा। किन्ना बंदा ओवर थिंक करता, एंक्शियस फील करना शुरू कर देता, इतों एंगजाइटी शुरू हो जाती। इस नूं किवें काबू करेगा बंदा? कुछ इहो जिहे थॉट्स आउण जिहड़े काम करन सानू, एंड सैकेंड लैवल ते ओवर थिंक करन दी बजाए जिहड़ा राइट वे टास्क करन वाला उहदे ते फोकस करन विच हैल्प करन। ये साडे अंदर सब तो वड्डा गुण है, ये सानू पैर पैर ते चाहीदा खजाना। असल च असीं ये सरमाया पैर पैर ते खर्चना आ, ये मिलेगा कित्थों? लोग कहते पाठ करके मिल जाता जी, मैडिटेशन करके मिल जाता जी। फिर बंदा कहिंदा उहदे लई होर ज़्यादा खजाना चाहिए, पाठ करन दी ताकत कित्थों लैके आवां, मैं मैडिटेशन करन दी ताकत कित्थों लैके आवां? बहुत सिंपल तरीका, साध संगत आराधना, संगत च आ जा। इहो जी कंपनी, इहो जिहा आला दुआला बना ला जिच बैठ के अपने आप पाठ हो जाए, संगत चों वो चीज़ मिल जाए। अस शब्द पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी का कि रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोविंद गुण सुनो अरगावो रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो। सत्संगत ही सिमर माधो है, संगत ते चाह उथे माधो की स्मृति होएगी। तू उस माधवी दे उस मायावी संकल्प तो बाहर निकलेंगे, एक नवे फ्लो च जाएगा, सुरत हायर लैवल ते जाएगी। सो साहब ने बयान किया इस रूप साध संग आराधना हर निध अपार, ये एक अपार निध तेरी सुरत च आएगी, तेनू उस किस्म के नाल एक्सरसाइज करने की जाच आएगी। धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार, बाकी करतार है। धर्म अर्थ काम मोख चार पदार्थों की गल वार वार आती है। धर्म ते मोख ये कहिंदे दीन दे पद्धर ते ने, ते काम ते अर्थ ये दुनी के पद्धर ते। इन्हां नूं जिहड़ी फरदर एक्सप्लेनेशन हुंदी इन्हां दी, काम का मतलब जस्ट नोट लस्ट हेयर, बाबा जी टॉक नोट ओनली एक्चुअली जस्ट एक उस रूप दे विच, इत्थे काम का मतलब कामनावां आ जिहड़ियां डिजायर साडे अंदर पैदा हुंदियां ने। इस तरह जाणो कि हालांकि बाणी नूं जदों होर फरदर पढ़दे आ, बाणी कहिंदी कि आसा मनसा सगल त्यागै, मतलब जिहड़ियां अनलिमिटेड डिजायरस ने इन्हों कंट्रोल करना, इन्हों का त्याग करना, इन्हों रिनाउंस करना, ये बाबा जी ने बचन किया। पर यह भी सच है कि आस ही बंदे नू, उम्मीद ही बंदे नू, कोई खाश ही बंदे नू कुछ चंगा करने वास्ते प्रेरदी है, पर इहदे लई विवेक वो बंदे च आना जरूरी है कि जिहड़ा ये देखे कि ओके जिहड़ी मैं आस कर रहा, ये आस फुलफिल करने वास्ते मेरे को रिसोर्स एनर्जी उस तरीके की समझ सब है कि प्रैक्टिकली हो भी पाएगा। इस किस्म की आस विच जाना, कामनावां की पूर्ति बिल्कुल बेसिक लैवल ते कि इन्नी समझ आए भी हाँ मेरिया कामनावां की पूर्ति हो सकती है। इसनों जे सरल करके देखा जाए सिख इतिहास के नाल या सिख हैरीटेज के नाल मैच करके, तो गुरु बाबा जी ने सुपना देखा सीगा एक खालिस मनुख का, एक ऐसा मनुख जिहड़ा इंसानियत दे तवाजन च पूरा परपक हो जाए, तो बिल्कुल धरती दे उत्ते देवते पूजन की लोड़ ना पे, उस मनुख का धरती दे उत्ते तुरना ही देवता हो जाए, दैवी गुणा नाल सरमाया प्रनाया होया।
जिस नूं स्वाए प्यार तो कुछ होर मिले ही ना, जिन्हों असी बाद अखीर जाके वेखते हैं पंजा प्यारियां दे रूप दे विच, जो फिर एक पंजा प्यारियां दी पंच प्रणाली दे विच प्रणाए हुए मनुख की घाड़त घड़ी जाती पूरी। इहदा सुपना गुरु नानक साहब ने देखिया ते सुपने नूं साकार करन वास्ते गुरु नानक साहब तुर पए। हुण सुपने नूं पूरा करन वास्ते सब तो पहली चीज़ कि है, बिल्कुल बेसिक चीज़, वह है प्लानिंग। साडे इंग्लिश सेइंग कही जाती है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। जो बंदा प्लानिंग फेल हों कहते बस वो प्लान ही फेल होने वास्ते कर रहा है। बाबा जी ने पहले लैवल से प्लानिंग की कि भाई एक लमेरा गोल है, फिर वो वास्ते रिसोर्स एफर्ट पानी शुरू करती, रिसोर्स बिल्ट होने शुरू हो गए। जे अखीर तक जंगा युद्धां दे समय तक लैके गए तो रिसोर्स सीगे नाल नाल जनरेट हो रहे। फिर तीसरी चीज़ ट्रेनिंग, जे उहदे लई तुसीं नहीं लैके आओगे ट्रेनिंग वगैरह तो कहिंदे ने कि जिहनूं असीं इंपॉसीबल कह रहे हैं, इंपॉसीबल का मतलब भी यह हो नहीं सकता, नामुमकिन, भाई देखो उहदे वास्ते प्लानिंग नहीं है तां नामुमकिन है, उहदे लई रिसोर्स नहीं हैगे तां नामुमकिन है, उहदे लई ट्रेनिंग नहीं हैगी तां नामुमकिन है। जे स्टैप बाय स्टैप हो जाए तो यही खजाना है, बंदे की सुरत चो चीज़ आ जानी पहले लैवल से, कुछ होण दा, कुछ बन सकण दा, एक ख्वाब, एक सुपना, एक उस रूप च, तो वह बड़ा प्रैक्टिकल वे दे नाल। सो कामनावां, हाँ भाई गुरु सब कामनावां की पूर्ति करने वाला है, पर वह कामनावां जे तैनूं खुद दिस रही होण कि हो जाणगियां तो हो रही ने तो हो सकदियां ने वह हो जाणगियां। जिथे बाहर तू सोच रहा भी इनफ्लुएंस में आके भी आ चीज़ हो जाए, तेरा इनर तेनों कह रहा भी ना ये क्यों तू की कर रहा एवें तो हो ही नहीं पाना, फिर बंदे च एक डुअलिटी एक द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व च बंदा पिसदा है। इहदी फिर बेसिक चीज़ है कि ऑनेस्ट लैवल ते अपने आप नूं सुनना, अपने आपे नूं अंदरों उस रूप च उहदी आवाज़ नूं ध्यान देना। मोख इस नूं वैसे तो सैलवेशन कहा जाता है, पर इहदा मायना मोख दा है कि बंदे नूं पहलां लिबरेट करना पएगा अपनियां ही बैड हैबिट्स तों, रीवायरिंग करनी पएगी अपनी। असीं अपने जीवन दे विच आले दुआले तों ऐस इतना कुछ गलत नाल पिक कर लैंदे आ जिहड़ा सानूं साडी अपनी होणी तों डिगी जा रहा, जो असीं हो सकदे आ उह तक पहुँचण ही नहीं दिंदा सानूं। सो सारे दे वास्ते भी गुरु हैल्प करदा सोच सुरत सिक्ख्या दे रूप दे विच। ये तो है जो काम ते मोख की बात की, हुण धर्म ते अर्थ भाई गल ये है, जे डिजायरस फाइनैंशियल साइड ते स्ट्रोंग होने वास्ते ने ते स्पिरिचुअल साइड ते स्ट्रोंग होने वास्ते भी डिजायरस आ गई तो फुलफिलमेंट हो जाएगी, रिसोर्स उवें ते बनने शुरू हो जाएंगे, बंदे दे जीवन में धर्म आ जाएगा, बंदे दे जीवन दे च धर्म की आराधना उस रूप में होनी शुरू हो जाएगी। हाँ अर्थ भी आ सकता है बंदे दे जीवन दे विच, ते फिर ये भी है जिथे धर्म आ उहदा एंड गोल फिर मोख ही है, मोक्ष, ये भी कोरलेट हो जाएगा आपस में। मतलब ये कि यह सारा कुछ ही सिख खजाने दे विच है, ये ही मौजूद है, ये ही पिया हैगा है, इसे नूं एहसास ले बंदा, इसे नूं बंदा पकड़ ले, इसे रूप में लै लवे। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल होर दे के फिर बचन नूं अगे तोरदे हाँ। एक जगह शेख सादी लिखता बड़ा खूबसूरत, उहदे कोल बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शागिर्द आउंदे ने सीखण वास्ते पढ़न वास्ते। तो एक दिन की होया कि कोई सज्जन आया, वह कहिंदा वी तू की सीखना है, कहन लगा आपां सीखना कुछ नहीं गा, आपां तेरे तो ये पुछण वास्ते आए हाँ भी तेरे को जिहड़े सिख्यार्थी आउंदे ने बैस्ट फिट सिख्यार्थी किहड़ा आ, बैस्ट फिट स्टूडेंट किहड़ा आ। कहिंदा बैस्ट फिट स्टूडेंट वह हैगा जिहड़ा बस 100% डेडिकेशन दे नाल जो क्या जाए उसे नूं करन लग जाए, ना कि वह जिहड़ा कुछ सीख के आया, ना कि वह जिहड़ा बड़ा ईगर है एक्सट्रा सीखण वास्ते, ना ना ना, जो जिन्ना क्या गया उसे रूप दे च बट एज इट इज़ फॉलो करने लई तैयार हो जाए, ये डिसाइपल होना हुंदा। इस नूं बचन कहा जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। ये गुरु दे उस गुरु नाल एसोसीएशन बनाने की गल है,
महाराज कह रहे ने थे क्या धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार, गुरु तो देंदे बार देरी नहीं लाता, बार का मतलब देरी लानी किसी चीज़ को डिले करना, बाबा जी कहते कोई वो कर डिले नहीं है, कोई देरी नहीं हैगी, आप ही उस लैवल से उस तरीके पहुँचने लिए तैयार नहीं है। फिर क्या भगत आराध हैं एक रंग गोबिंद गोपाल, जिहड़े भगत जन ने वो आराधना करते एक रंग प्रेमा रंग विच प्रेमा स्वरूप होके प्रेम दे उस आभा दे च मंडित होके, गोबिंद गोपाल दोनों एडजैक्टिव ने रब जी वास्ते यूज किए गए, गोबिंद गो कहिंदे धरती नूं, बिंद कहिंदे बिंदन वाले नूं, धरती का बिंदन किया जिन्हें होंद लियांदी, गोपाल जिहड़ा धरती नूं गो कहिंदे धरती नूं गो, पाल पालन वाला जिहड़ा धरती नूं पालन वाला है, पाप जिहड़ा गोबिंद ते गोपाल है, राम नाम धन संचया जां का नहीं शुमार, तो जिन्हों ये समझ आ गई उन्हें एक वड्डा धन संच लिया राम दे नाम का जिदा कोई शुमार नहीं गा, जां का नहीं शुमार उन्हें किसी रूप में मैजर नहीं किया जा सकता, नापया तो तोलिया नहीं जा सकता। हुण इस नूं कई एंगल तो बंदा देख सकता आ, अनफॉर्चुनेटली जदों असी बहुत इंस्टेंट हैप्पीनैस दे विच इंस्टेंट अचीवमेंट वाले पासे वधन की ट्राई करते हैं ना, माफ़ी मंगांगा, चंगी जिंदगी हर बंदे दा ख्वाब है, चंगी जिंदगी हर बंदे नूं प्राप्त हो इहदे वास्ते अरदास है, जिहड़ा सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम आ इहनूं विन करन वास्ते किहड़ा किहड़ा राह नहीं अपनाया जांदा। रीसेंटली तुहाडे सामने तुसीं जो कुछ सुन रहे हो पढ़िया होने आले दुआले, हुण इह थोड़ा आ कि अमेरिकन ड्रीम नूं या अमेरिका च कोई जा नहीं सकदा या कैनेडा च कोई आ नहीं सकदा। आपनूं शायद पता होएगा जदों माल्टा ट्रेजडी हुई 500 तो वध बच्चे यंग बच्चे जिहड़े ने पानी च उस्थे उस रूप दे विच डुब गए, इंग्लैंड च बड़ी बहस हुई इस गल दी, हालांकि वो उन्हां दी कॉन्शियस कई बार उन्हां डुबदी भी है, कलोनियल सिस्टम ने जिन्ना फायदा किया उस तो कितने वध मनुखता का नुकसान किया, जो ग्लोबलाइजेशन है दे अंडर बेनीफिट होया किन्हां नूं होया मल्टीनैशनल्स नूं, एक छोटा जा जिहड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा बहुत मामूली जिहा वो ज़्यादा तो ज़्यादा रिसोर्स से प्रॉफिट जनरेट करने वाली एक नवे किस्म के स्ट्रक्चर इकोनॉमी के रूप में बिल्ड कर गया, वो सारे करके लोगों के जी है चंगे जीवन की खाश हो वधदी लगी, खास करके उत्थे जिथे लोअर लैवल की मिडल क्लास हायर लैवल की मिडल क्लास जाना चाहती है, उस रूप में बात हुई, उन्हें कहा भी भाई ये तो बहुत वड्डा नुकसान होया। खैर उदों ही उन्होंने फिर स्टूडेंट स्ट्रीम खोलिया उत्थे, हालांकि वो चलिया नहीं गा क्योंकि उन्होंने एहसास नहीं सी इस गल का भी ये चीज़ जी इस तरीके फिट हो नहीं पाती, उहदा कारण यह है कि अपने कैलीबर नूं अपनी एबिलिटी नूं वधा के अचीव करन दी बजाए अपनियां खाशां नूं आले दुआले तो कोई भी होर तरीका सोर्स अपना के उत्थे उड़ के पहुंचन दी खाश ज़्यादा है, जिहदी किसे तरीके दी भी पे करन लई तैयार, अपनी जान भी पे करन लई तैयार, तो उहदा कारण यह है किसी ने इहदी कीमत नहीं दसी, किसी ने विखाया नहीं गा कि अल्टीमेटली इहदी कीमत है की है। दो पल लवांगा फिर समाप्ति कर देना, सिर्फ उहदे च है कि मैं इत्थे स्टेट्स विच सीगा ते ज्यूज ने एक कैंप लाया सी बच्चियां दा, ते बाय चांस मैनू शैडोइंग करन दा मौका बन गया, ते उस दिन जिस दिन मैं शैडोइंग करनी सी उस दिन वो अपने यंग बच्चियां नूं अराउंड 13 तो लैके तो 19 साल के एज के बच्चे सीगे, उन्होंने वो हॉस्पिटल एक टूर वास्ते लैके चले सी, मैं भी नाल गया देखा कि सब हो रहा, तो उत्थे होया कि एक उस रात एक एक्सीडेंट होया सी रोड रेज करके, तो उहदी फैमिली जिहड़ी बैठी उत्थे बाहरले पासे फैमिली नाल जाके उन्होंने जिहड़ा इंस्ट्रक्टर सीगा उन्हें गलबात की कुछ एम्पथी शो की बच्चों ने सॉरी क्या कुछ फुल दिते इस किस्म दी गल्लां बातां होईयां। खैर उस तो बाद की होया कि वो ICU दे विच सीगा, ICU दा ग्लास वाली साइड ते उत्थे जा के बच्चों विजिट कराया करा के फिर उन्होंने एक कमरा बुक कराया सी स्पैशल जिहड़ा चैपलन का कमरा हुंदा उत्थे उन्होंने लै गए। हुण बच्चों नूं सीधे तौर ते जिहड़ा इंस्ट्रक्टर पुछदा है भी ओके हथ खड़ा करो तुहाडे चों किहड़ा किहड़ा बच्चा इह चाहुंदा है कि उन्होंने पेरेंट्स इत्थे बैठे होण, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा तुहाडे चों किहड़ा किहड़ा बच्चा इस ICU विच जाके बहना चाहुंदा, वो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया।
वो कहिंदा तुहानूं मैं हुण दसदा ये सारा कुछ तुसीं इस सारे नूं अवॉइड कर सकते हो जो इन्हें अमल किया जो नहीं करोगे तो। इंपोर्टेंस ऑफ लाइफ ये होंदी है, ये चीज़ प्रीशियस आ, पर इहदे बारे कोई समा रहिंदा समझा दे इस दौलत नूं। ये रूप आ गुरु ये दसदा आ, गुरु कहिंदा जिंदगी बेशकीमती है, वकारां च नहीं गवानी, ये जिंदगी बहुत ये बड़े वड्डे उहदे अचीव करन वास्ते मिली है, कुछ वड्डी परपज़ नूं सर्व करन वास्ते। इत्थे महाराज बयान करदे इहदा कोई शुमार नहीं गा इस दौलत दा जिहड़ी दौलत गुरु दे रहे, क्योंकि इहदे नाल बाकी सारी दौलत की समझ आउंदी है। जोहरी बना दिंदा गुरु, बचन आ रहा राम नाम तन संचया जा का नहीं शुमार, शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, पर हे प्रभु असी दे तेरी वडियाई करदे हो बस तेरी शरण ही आ, पाव तू ही सानू तौफीकियत दे, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। बाकी हे मालक असी कौन होंने, तेरी थौ पाउण वाले, तेरे खजाने की थौ पाउण वाले, तू गुसाई है। तो गुसाई का मतलब ये है कि इस धरती से रहने वाले जीवों नू सांभण वाला खसम, तू ही बॉडी कर, तू ही साड़ी बांह फड़, ते आप आहर करके साडे सिर तो यह जिहड़ा करजा चढ़िया आया इस धरती के जर्रे जर्रे का वह लाण वास्ते मदद कर साडी। साहब रहमत करन इन आलमी वाक्यों चो असीं गुरमत की प्रेरणा लईए, गुरमती हो सकीए। इनिया क बिनतियां नाल खिमा, भुलां गलतियां ना चितारियो। रागी वीर अगला प्रोग्राम लैके हाजिर ने, मैनूं इजाजत देनी कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।